फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के तीसरे वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार ठाकुर। पिछले दो ट्यूटोरियल में कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर पर, यानी कंप्यूटर के अवयव, कंप्यूटर के भाग। चाहे कंप्यूटर का कोई भी मॉडल हो, कोई भी डिज़ाइन हो, हर एक कंप्यूटर में मुख्यतः तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स है इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें कि कंप्यूटर के सारे मेन पार्ट्स को दर्शाया गया है। इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी कई भाग होते हैं, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम हैं जिसमें कि कंप्यूटर के अलग अलग भाग प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इन सभी भागों पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहला भाग पर, जो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का वैसा उपकरण है, वैसा भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर किया जाता है या जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस प्रयोग होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, OCR, OMR, MICR, बारकोड रीडर, टच स्क्रीन इत्यादि। तो हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के इनपुट डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट किया जा सकता है। कीबोर्ड जनरली एक टाइपराइटिंग मशीन की तरह होता है जिसमें कई कीज होते हैं जिनके माध्यम से डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है। उसी प्रकार माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। स्कैनर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जहां प्रिंटेड मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदला जाता है और जिसे हम लोग फाइल के रूप में स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से स्क्रीन पर चल रहे ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। मुख्यतः इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक पेन के माध्यम से कुछ लिखा जा सकता है या कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा के माध्यम से कोई फ़ोटो को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर फाइल के रूप में स्टोर किया जा सकता है या उसको प्रोसेस किया जा सकता है। इस डिजिटल कैमरा के माध्यम से बहुत कम समय में ही फोटोग्राफ निकल सकते हैं। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है, कैरेक्टर को पहचानता है। उसी प्रकार से OMR होता है जो इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें मार्क किए हुए चिन्हों को आइडेंटिफाई किया जाता है। बेसिकली हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स के लिए एक स्पेशल शीट होता है जिन्हें OMR शीट कहा जाता है। उस OMR शीट में कई बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें जो करेक्ट आंसर्स होते हैं उन उससे संबंधित बॉक्स को कलर करना होता है, मार्क करना होता है। और ये
मार्क्ड शीट जो है वो OMR के द्वारा ही इवेलुएट किए जाते हैं। उसके बाद आगे का इनपुट डिवाइस है MICR। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये एक स्पेशल डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है। तो मेनली जो चेक होते हैं या फिर ड्राफ्ट होते हैं उसका नंबर इस मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है जिसे MICR रीड करता है। उसके बाद बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड में दिए गए इंफॉर्मेशन को रीड करता है। बारकोड में किसी प्रोडक्ट से संबंधित कई इंफॉर्मेशंस होते हैं जिन्हें बारकोड रीडर रीड करके और फिर इंफॉर्मेशन देता है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम स्क्रीन को टच करके ही किसी विशेष भाग के ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी विशेष एरिया को एक्टिवेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनका प्रयोग करके डेटा को अलग-अलग फॉर्म में इनपुट किया जा सकता है। बेसिकली ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके और इस मशीन को देते हैं जिसमें जिसके द्वारा डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होके और प्रोसेस हो सकता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा एंट्री होने के बाद डेटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए CPU में भेजा जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि जो भी डेटा इनपुट होता है वो सारा का सारा डेटा इस CPU के माध्यम से ही प्रोसेस किया जाता है। CPU के तीन मुख्य भाग होते हैं जिसमें है ALU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ALU यानी ALU का मतलब होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर सारे गणितीय गणनाएं होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, और उसके अलावा जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, जो भी कंपैरिजंस हैं, तुलनात्मक कार्य है, वह सारे कार्य इस ALU के माध्यम से ही किया जाता है। अगला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का वैसा भाग होता है जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। मेमोरी यूनिट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी होता है और ये मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें डेटा टेम्पररीली स्टोर्ड होता है, यानी डेटा अस्थाई रूप से कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है जब तक कंप्यूटर ऑन हो या जब तक कार्य कर रहा होता है तभी तक इसके अंदर डेटा होता है। कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर या फिर पावर के फेल हो जाने पर रैम के अंदर स्टोर किया गया डेटा समाप्त हो जाता है, इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। लेकिन रैम कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना होता है उसे सबसे पहले रैम में ही लोड करना होता है, उसके बाद ही CPU उस डेटा को प्रोसेस करता है। दूसरा मेमोरी है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है,
यानी कंप्यूटर ऑफ होने पर भी इसके अंदर का डेटा समाप्त नहीं होता है। जब कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी जब कंप्यूटर का निर्माण होता है, तो उस समय इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फीड कर दिया जाता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए आवश्यक है। एक बार इसमें डाल दिया गया इंफॉर्मेशंस को दोबारा कभी बदला नहीं जा सकता, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी यानी जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर का, जो जिसे हम रैम कहते हैं, तो उसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है और रोम में हम कुछ स्टोर कर नहीं सकते हैं। तो फिर यूज़र अपना डेटा स्टोर कहाँ करें? तो यूज़र को डेटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की व्यवस्था दी गई है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी होता है, बाह्य मेमोरी होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जाता है। इस सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें का बहुत अधिक मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के भी कई प्रकार हैं, जैसे इनके कुछ उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। इन सभी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस की स्टोरेज क्षमता यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि किस डिवाइस के अंदर डेटा कितनी है, यानी किस स्टोरेज डिवाइस में डेटा ज़्यादा है, किस में कम है। इसको समझने के लिए मेमोरी यूनिट का भी एक मात्रक होता है, यानी स्टोरेज का भी एक यूनिट होता है। जिस प्रकार से जितने भी अन्य भौतिक राशि हैं, जैसे लेंथ है तो उसका अपना यूनिट है, लंबाई मापने के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करते हैं, या बड़ी लंबी दूरी के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं। तो उस यूनिट से ये पता चल जाता है कि कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा छोटा है। जैसे स्वाभाविक है कि 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर से कम ही है। तो अब यहाँ पर हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस किसी खास स्टोरेज डिवाइस से बड़ा है, या उच्च क्षमता की है, या ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, या कौन स्टोरेज डिवाइस किसी स्टोरेज डिवाइस से कम डेटा स्टोर करता है? तो उसके लिए भी यूनिट्स होते हैं, और इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं बाइट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बाइट से बाइट कहा जाता है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बिट यानी बाइनरी डिजिट, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि डिजिटल कंप्यूटर जनरली बाइनरी डिजिट में काम करता है। तो इस बाइनरी सिग्नल के 8 ग्रुप, 8 बाइनरी सिग्नल्स के एक ग्रुप को मिला के एक बाइट का निर्माण होता है, जो किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, और इसी प्रकार से 1024 बाइट्स बराबर 1 KB यानी किलोबाइट। यानी किसी स्टोरेज डिवाइस की क्षमता यदि 1 किलोबाइट है, तो उसमें हम लोग 1024 बाइट्स डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, यानी यूँ कहा जाए 1024 कैरेक्टर्स स्टोर किया जा सकता है। उसी प्रकार से 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB यानी मेगाबाइट, और फिर 1024 MB यानी 1 GB यानी गीगाबाइट। तो इस तरीके से डेटा के अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं,
और इससे और आगे बढ़ें तो 1024 GB बराबर 1 TB होता है, यानी टेराबाइट। तो अभी कमर्शियल पर्पस से जो मैक्सिमम स्टोरेज डिवाइस है वो टीबी के स्केल में आ रही है। अब हम लोग यदि अलग अलग मेमोरी डिवाइसेस को देखें तो सभी की क्षमता अलग अलग है, स्टोरेज क्षमता अलग अलग है, जिसे हम लोग इन यूनिट्स में समझ सकते हैं। जैसे साधारणतः जो रैम होता है उसमें 128 MB या 256 MB, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते अब तो 1 GB तक रैम आ रही है, और मल्टीपल रैम्स लगा के 2 GB 4 GB इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसी प्रकार से पहले जो फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, उस फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB या 1.2 MB होती थी, और आज के जो CD यूज़ होते हैं उसकी कैपेसिटी 700 MB और DVD की 4 GB। उस प्रकार से कई पेन ड्राइव्स हैं जिनके अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज़ होते हैं, 8 GB से लेके 32 GB तक। उसके साथ साथ हार्ड डिस्क जो मेनली कंप्यूटर के अंदर ही प्रयोग किया जाता है, उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, और आज के डेट में 500 से 1000 GB तक होती है। तो जनरली जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो मुख्यतः हार्ड डिस्क में ही स्टोर किया जाता है, इसलिए हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर ही लगा के रखा जाता है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिनकी अलग अलग कैपेसिटीज़ हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट CPU का वैसा भाग है जो सारे डिवाइसेस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी ये डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। इनपुट कौन सा डेटा इनपुट हो रहा है, ये कौन सा आउटपुट हो रहा है। हमने ब्लॉक डायग्राम में भी देखा था कि कंट्रोल यूनिट सारे डिवाइसेस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, ये स्टोरेज डिवाइस को भी कंट्रोल करता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी करता है, और आउटपुट को भी करता है। तो मेनली कंट्रोल यूनिट का काम सारे पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेट करना है। अगला है पार्ट्स आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वैसा भाग होता है जिसके माध्यम से हम लोग फाइनल रिजल्ट प्राप्त करते हैं, यानी डेटा प्रोसेस होने के बाद फाइनल रिजल्ट जिस उपकरण के माध्यम से प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर इत्यादि। तो ये सभी कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, और ये सारे पार्ट्स कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, और सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सारे पार्ट्स काम करेंगे तभी कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा, इनमें से कोई भी पार्ट्स ना हो तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस, CPU और आउटपुट डिवाइस तीनों ही पार्ट्स होने आवश्यक हैं, तभी कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित कुछ और विषय पर डिस्कस करेंगे, और यदि आप